नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों व टेक्नोलॉजी के दिया हुआ होने पर दोनों वस्तुओं एक्स व वाई के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र होता है। अर्थात ये वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का या कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जिसे जितनी भी हमारे अर्थव्यवस्था में संसाधन व टेक्नोलॉजी, अगर उनका सबका प्रयोग करें तो हम मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, यही उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। इसको आय, उत्पादन, रोजगार, ये तीनों ही पर्यायवाची होते हैं अर्थशास्त्र में, इसका ध्यान रखें। उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, रूपांतरण रेखा, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन दिए गए संसाधनों द्वारा किया जाता है। यह निम्न मान्यता पर आधारित है। पहला, संसाधनों का पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, उत्पादन की तकनीक स्थिर है। इन दो मान्यताओं के आधार पर हमने ये पीपीसी वक्र बनाया है। अब उत्पादन संभावना वक्र में इसकी दो प्रॉपर्टी भी हैं और दो इसके प्रश्न भी बनते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, संसाधनों की मात्रा एवं टेक्नोलॉजी स्थिर होने के कारण यदि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पहली वस्तु के उत्पादन के साधन इधर लाने होंगे। इस कारण से ऐसा होता है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। फिर आता है दूसरी इसकी विशेषता आती है कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है। इसका आंसर है वर्धमान MRTXY, यानी कि रूपांतरण की सीमांत दर वर्धमान होने के कारण ही पीपीसी वक्र नतोदर होता है। अब ये क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये होती है एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयाँ त्यागी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं। इसी को हम वर्धमान MRTXY कहते हैं, जिसके कारण पीपीसी वक्र नतोदर होता है। तालिका में आप देख सकते हैं हमने ABCDEF कॉम्बिनेशंस लिए हैं। एक्स वस्तु राइस है, वाई वस्तु गन्स है। यहाँ एक्स वस्तु ए कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है, एक्स वस्तु का 0 उत्पादन और वाई वस्तु का 15 उत्पादन। और एफ क्या दिखा रहा है, एक्स वस्तु का 5 उत्पादन और वाई वस्तु का 0 उत्पादन। अर्थात 0 और 15 और 5 और 0, यही पीपीसी वक्र की मैक्सिमम पॉइंट बनेंगे। यही इन्हीं दो बिंदुओं को, इन्हीं दो निर्देशांकों को मिलाने से हमें पीबीसी वक्र की प्राप्ति होगी। अब हम निकालते हैं MOC, जिसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जो कि MRTXY ही होता है। सीमांत अवसर लागत और कुछ नहीं, रूपांतरण की सीमांत दर ही होती है। इसको निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा वाई होता है, ये और कुछ नहीं होता। तो इसमें अगर हम डेल्टा वाई निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 15 माइनस 14 किया तो बराबर 1, 14 माइनस 12 बराबर 2, ऐसे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। लास्ट वाली तालिका में हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, 1R = 1G, अर्थात 1 किलो राइस और 1 गन का रेशियो। फिर बाद में ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में जाके ये हो जाता है 1R = 5G, अर्थात धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो गन त्याग रहे हैं उसमें हमारे वृद्धि हो रही है। हम 1 किलो राइस के लिए पहले 1 गन छोड़ने के लिए तैयार थे, उत्पादन बंद करने के लिए तैयार थे, और फिर बाद में हम 1 किलो राइस के लिए 5 गन तक का उत्पादन बंद करने के लिए तैयार हो गए। यही सही नतोदर MOC या PPC वक्र का ढाल है। सबसे वास्तविक जो पीपीसी वक्र होता है उसकी तालिका यही है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि गुड एक्स और गुड वाई का हमने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है और MRTXY हमने 1, 2, 3, 4 अभी निकाली हुई है, पहले भी हमने सैंपल दिया था। चित्र भी आप देख सकते हैं, चित्र में ए बिंदु और बी बिंदु,
ए से बी तक ये पीपीसी वक्र है जो कि कॉनकेव है नतोदर है। डेल्टा वाई आपको दिख रहा है लॉस ऑफ डेल्टा वाई। लॉस ऑफ डेल्टा वाई का मतलब क्या है, वाई वस्तु के उत्पादन की हानि। और क्यों हुई है, क्योंकि डेल्टा एक्स गेन अर्थात एक्स वस्तु के उत्पादन को हमने बढ़ाया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। एम आर टी एक्स वाई को कई नामों से जाना जाता है। एम आर टी एक्स वाई को रूपांतरण की सीमांत दर, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल, रूपांतरण वक्र का ढाल, सीमांत अवसर लागत आदि नामों से जाना जाता है।